6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव और उनकी समाजवादी पार्टी मुसलमानों की रक्षक बनकर उभरी थी। अब तक कांग्रेस पार्टी इस भूमिका में समझी जाती थी, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार 16वीं शताब्दी में बनी अयोध्या मस्जिद को सुरक्षा दे पाने में नाकाम रही थी। आगे चलकर सैफी के इस पहलवान को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। हालांकि इससे 2 साल पहले जब भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में कार सेवक अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे, तब मुलायम ने दावा किया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उन्होंने इसका पालन करते हुए अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग कर पुलिस को आदेश दे दिया। इनमें से 28 लोगों की मौत हो गई।